सचिन सर से मुलाकात हुई. मिलना आई थिंक मेरे बहुत स्पेशल था बिकॉज ऑब्वियसली हम सब ने उनको टीवी पर देखा है, तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल मोमेंट था. और उनसे काफ़ी देर बात हुई. काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है अपनी. काफ़ी अच्छी तरीके से वो उन्होंने गाइड किया था कि किस तरीके से आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करना चाहिए. अब देश के लिए मेडल जीतना काफ़ी साहस की बात है. मनु भाकर ने सचिन तेंदुलकर से अपनी मुलाकात के बारे में बोलते हुए कहा कि आज की इस मुलाकात से पहले उनसे फोन पर बात हुई थी. उस दौरान उन्होंने आने वाले चैलेंजों को हैंडल करने को लेकर गाइड किया था. आज उनसे मुलाकात बहुत ही खास थी. वो एक लेजेंड है और उनसे मिलकर काफी अच्छा लगा. साथ ही अवनी लेखरा के गोल्ड मेडल जीतने पर बोलते हुए कहा कि सभी चैलेंजों को पार करके देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना काफी साहस की बात है. हम सबको उनसे सीख लेनी चाहिए. बॉम्बे में जैसे कुछ एक दो चीजें भी थी और सचिन सर से मुलाकात हुई और उससे पहले उनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी. और काफ़ी अच्छी तरीके से वो उन्होंने गाइड किया था कि किस तरीके से आगे आने वाले चैलेंजेस को फेस करना चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो लाइफ में और हमें आगे हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में बीइंग अ स्पोर्ट्स वूमन. सो मिलना आई थिंक मेरे बहुत स्पेशल था बिकॉज ऑब्वियसली हम सब ने उनको टीवी पर देखा है बचपन से ही. मैं तो जब से छोटी थी तब से मैंने उनको टीवी पर देखा है. कभी एडवर्टाइजमेंट्स में, कभी खेलते हुए, कभी शोज में. तो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल मोमेंट था. और उनसे काफ़ी देर बात हुई तो काफ़ी अच्छा लगता है. उन मतलब ही इज अ लेजेंड एंड उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा. और पैरालंपिक्स स्टार्ट हो चुका है और आज ही जो है 4 मेडल्स आ चुके हैं. यस, और स्पेशली शूटिंग की अगर बात की जाए, जिस तरह से आप 2 मेडल के साथ इस एडिशन में आई थी, अपनी पिछले एडिशन में थी, इस बार भी गोल्ड लेकर वापस आ रही जी. काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है अवनी की और बहुत सारे जो हमारे पैरालंपियंस हैं उनकी काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है. और जो भी उनके चैलेंजेस रहे उनके बाद उन सबसे उभर कर इतनी आगे आकर देश के लिए मेडल जीतना काफ़ी साहस की बात है. और आई थिंक हम सबको उससे सीख लेनी चाहिए. और मैं काफ़ी प्राउड फील करती हूँ कि हमारी शूटिंग से ही उनका कितना अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा और उन्होंने दूसरा कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गेम्स में उन्होंने गोल्ड जीता है. तो कंग्रेचुलेशंस टू हर. और हम सबको भी बहुत खुशी है कि उन्होंने मेडल जीता. ये ओलंपिक, पिछला ओलंपिक ख़त्म होते ही इसकी उम्मीद थी और ये ओलंपिक ख़त्म होते ही नेक्स्ट की उम्मीद है. और रास्ते में जो भी कॉम्पिटिशन्स या जो भी चीज़ें आएंगी ऑन द वे रहेगा, बट गोल विल बी LA 2028. मेरे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में मैं 16 साल की थी. मैंने गोल्ड मेडल जीता था अपने देश के लिए. और उस समय मुझे हालांकि वैल्यू नहीं पता थी, पर जैसे ही मैं इंडिया में वापस आई और प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई तो उनके हमेशा ही जो उनसे बातचीत होती है बहुत इंस्पायरिंग होती है, बहुत मोटिवेट करते हैं. और उन्होंने यही कहा था कि अभी तो बहुत छोटे हो, बहुत लंबा लंबा रास्ता तय करना है, आगे बहुत बढ़ोगे, तो मेहनत करते जाओ और तुम्हारा भविष्य ज़रूर उज्ज्वल होगा.